वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं ब्राजांगनानां च दुकूल चौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। भगवान कृष्ण होचंती चोर भितर श्रेष्ठ काहीकि ना ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं। ब्रजभूमि रे लहुणी चोरी करिवारे से होचंती श्रेष्ठ। ब्रजांगनानां च दुकूल चौरं ब्रजांगना मानकर दुकूल पिंधा लुगा को चोरी करथिले यमुना रे स्नान करथुआ समय रे आउ अनेक जन्मार्जित पाप चौरंग अनेक जन्मरु अर्जित पाप को जे हरण करंती सही होचंती के ना चौराग्रगण्य पुरुष श्रेष्ठ चौर सही भगवान कृष्णचंद्र। सज्जन वृंद आमे पूर्व अध्याय शुणुले गोविंद दामोदर स्तोत्र 27 श्लोक ए अध्याय 28 श्लोक र आलोचना करिबा। भगवान कृष्ण बालक लीला रे कण करुचंती गोटे छोट पिलार से पिलाटी चली जाउची दांड रे ता चुट्टी कि नेकरी बाछुरी लांगुळ रे बांधि दउचंती। जशोदा मा धाई गले कले अरे रे से पड़ी जीव बाछुरी दौड़ब ए पिला पड़ जीव घुसुरीब मना करुचंती ओठ धरिकि ना ना एमिति नुए धन एमिति करिवो नाही काकु हैरान करिवो नाही। श्लोक हला गोवत्स बाली शिशुका कपक्षं बध्नान्तमं भोजदलायताख्यं उबाच माता चिबुकं गृहीत्वा गोविंद दामोदर माधवेति गोवत्स बाल ई शिशु काक पक्षं। काक पक्ष होची पिलांकर जो पछर जो चुट्टी थाए के लंडा है कि पछर गोटे चुट्टी लंबा चुट्टी रखतन ताकु मध्य काक पक्ष कहा जाए। गोवत्स बाल गाई बाछुरी बाल माने तार बाछुरी रो चुट्टी संगरे तार लांगुडा चुट्टी संगरे शिशुर काक पक्ष चुट्टी केश को बांधिला बेले अंभोज दलायताख्यं अंभोज दल पद्मपत्र परि जहार चक्षु से पद्मनेत्र कृष्णचंद्र को चाहे माता ओठ धरी कहउचंती नाई 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 एमती करनी कानू एमती करनी का हैरान करनी। शिशु काले शिशु बाल बालकू बांधी गाई बाछुरी लांगुलकू कमल दल आयत लोचन केली चपल प्रणत मोचन धरी चिबुक माता निवारती गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद अति सुंदर अनुवाद। शिशु काले शिशु बाल बालकु बांधी गाई बाछुरी लांगुलकु कमल दल आयत लोचन केली चपल प्रणत मोचन।
ये खेलिवा पाई खेलरे मौज मजलिस करिवा पाई एते बड़ा पदक्षेप नहीं कृष्णचंद्र जशोदा निवारण करुछन्ति सत हेले भगवान कृष्ण तांको हाथरे जार चुट्टी बंधा हाब से कण विपदरे पड़िव प्रश्न उठुनि हसी खेली जेते बेल जेते प्रकार विपद आसी बालक मानंकु भगवान कृष्ण उद्धार करिछन्ति एही पदर सुंदर अनुवाद करिछन्ति भक्त कवि वैष्णव चरण शुणिवा कमल नयन कला बाछुरी लांजरे करुथिले बंधन माता जसोमती देखिए दृश्य निज नयन ओठधारी स्नेह दामोदर माधव काही की कह रे गोविंद दामोदर माधव दृश्य टुकु अति अविकल भाव रे आम मानस चक्षु रे थोई देई छंती भक्त कवि वैष्णव चरण कमल नयन कन्हई दिने कौतुक रे गोपने लुचिकरी गोपाल शिशुर चुट्टी धरी हाथ रे गोपनरे धरी से जानी आउ कला बाछुरी लांजरे करुथिले बंधन बंधन करुथिले देखंतु अविकल दृश्य आम आखि आगे नाची जाउची माता जशोमती देखिए दृश्य निज नयन आखिरे जशोदा ए दृश्य देखिले जाकि ओठ धरी स्नेह कहिले एडे दुष्ट स्वभाव काहीकि कह रे गोविंद दामोदर माधव हे गोविंद हे दामोदर हे माधव काहीकि एडे दुष्ट होचु जेमती आम कह उठिलु एड़े बेगी कहीं उठिलु एड़े बेगी कहीं दधी मंथाई देबु दधी मंथाई देबु नाही की रे उठिलु एड़े बेगी काही की रे ये जेमिति कथा ठीक सेमिति हेउछु एडे दुष्ट काही की रे माधव हे गोविंद हे दामोदर एते दुष्ट हुआ ना हुआ ना हुआ ना परवर्ती श्लोक रे पुणी भगवान कृष्णचंद्रंकर सेई गाई रखिबार दृश्य प्रभात काले बरबल्लभौगा गोरक्षणार्थं धृतवेत्र दंडा आकार यामासुर अनंत माध्यम गोविंद दामोदर माधव कौन कले प्रभात समय हेछि श्रेष्ठ गोपाल माने गाई जगी जीवे बोली हाथ रे बेत्रबाड़ी धरिचंती डाकिले कृष्णचंद्र को गोविंद दामोदर माधव आस आस आज गाई रखी जीवा ने कि प्रभात काले बरबल्लभौघा गोरक्षणार्थं धृतवेत्र दंडा आकार यामासुरनंत माध्यं गोविंद दामो दर माधवेति कथाटी हेला कौन ना गोपाल माने गाई रखिजे बेतवाड़ी धरी डाकबे कृष्ण को कौ नाम डाकिले ना गोविंद दामोदर माधव नाम डाकिले गाई रखिजे बोली गोपाले बेतवाड़ी धरी बड़ी सकाळे
कृष्ण बिने बने जीवा न रुचे केऊ गौड़ डाक छाड़े उचे सुनी अनंत बेगे दौड़ती गोविंद दामोदर माधवती गाई रखीजे बोली गोपाल बेतवाड़ी धरी बड़ी सका कृष्ण बिने बने जीवा न रुचे भावटी आसला कौन कृष्ण को छाड़ी कौन आम बन को जापर गाई रखा जापर तेणु केऊ गौड़ डाक छाड़े उचे उच्च कंठरे जड़े गोपाल डाक छाड़ी शुणी अनंत बेगे दौड़ गोपाल कौन डाक छाड़ी गोविंद दामोदर माधव शुणिकी गोविंद घर बाहर दौड़े हाँ जाऊँ 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 व्यस्त होना मु अच्छी चल चल जीवा गाई रखा को भक्त कवि वैष्णव चरण यार कौन अनुवाद कर सखा जे तंकर श्री कृष्ण भगवान अनंत जगतर आदि पुरुष महामहिमावंत भक्त कवि वैष्णव चरण रचना अत्यंत पूरा नाटकीय दृश्य पर अत्यंत स्पष्ट आखि आगे नाचि उठ से दृश्य राति पाही हेला सकाळ राति पाही गला अंधार थिला सकाळ हे गला सूर्य उदय हेले गोप बालक गण गाँ दांडर देखा देले बाहर ले धेनु चारणे काहीकि ना बाड़ी धरी जना पड़ी एमाने जाउचंती गाई चरेबा धरी हाथ में बेतवाड़ी तांकर सखा होउचंती श्रीकृष्ण सी भगवान सी अनंत जगतर आदि पुरुष सी होती महामहिमावंत सखा आई महिमा जो से प्रभु को छाड़ी पार ना प्रभु हिसाब से नुह सांग हिसाब से जिते स्वयं भगवान सांग हे सी निश्चित भाव सांग हिसाब से आपको आकर्षण करेंगे प्रभु को थे देखीदेले ना स्वरूप भाभीदे ना आकृष्ट करेंगे ही करेंगे मन थे कृष्ण आड़ चलीगले आ फेरे ना जिते दुनिया को फेरले भी पुणी कृष्ण पाख चली जाए डाकू था सर्वे हृदय घेनी मैत्र भाव मित्र भाव घेनी डाकुंट आसरे आसरे गोविंद दामोदर माधव जी साक्षात भगवान से गोपलीला कर गोपाल बालक होती मित्र बोली भाभी डाकुं यही कथा कहवा तात्पर्य सुंदर भाव में भक्त कवि रचना करवाक्षर यार स्पष्टीकरण करवा प्रभाते गुर क्षण अर्थे धरी न बेत्र दंड हस्ते प्रभाते गुर क्षण अर्थे धरी न बेत्र दंड हस्ते श्रेष्ठ गोपाल बाल वृंद डाकंती आस आदि कंद गोविंद दामो दर हरि माधव मुकुंद मुरारी आद्य अनंत ऋषिकेश सुनी से घोष होई तोष गोविंद गोविंद ना।
नवाक्षरी टीका है संक्षिप्त सार टीका प्रभाते गोरक्षण अर्थे धरिण बेत्र दंड हस्ते श्रेष्ठ गोपाल बाळवृंद डाकद्य आस आदि कंद ये श्रेष्ठ गोपाल कहीं कहगला सांग मैंने श्रेष्ठ कहीं से श्रेष्ठ जेहेतु साक्षात नारायण से सखा प्रभु सांगे जाऊँगी महाभाग्यवान से मैंने आस आदि कंद गोविंद दामोदर हरि माधव मुकुंद मुरारी डाकुंट आद्य अनंत ऋषिकेश शुणी से घोष हो तो से घोष शुणी प्रभु सन्तुष्ट होहा मुला करित्य गोलोक धाम रुआसी त्रिभुवन चौदह ब्रह्मांडर नायक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मोर सत्ता कौटी आउ पत्ता कौटी एटी मो ठिकना कौन ना मुझे गोपाल बाड़क मो गाई चरुच प्रभु एपरी लीलामय लीला करती भगवान जिते गाई चरात भक्त कवि दीनकृष्ण आखि पड़गला प्रभु आपण गाई चरिया जाऊँगी ओहो सत जमी गाई न चरले आपण पेट अपसार निज मुखर नुहे गोपांगना मुखरे कहते भक्त कवि दीनकृष्ण दास कौन कहते कमल नयन नयन मंडन क्रमे पारिले बच्चार की कला कर मुखी गोपी माने देखी मने हुआंती मखा दुखी कौं गोपी कारुण्य रस तु बहई कृष्ण स्नेह घेनी जशोदाकु मानी करी सखी आगे कहई कौं गोपिका कारुण्य रस तु बहई आग गौड़ पे बाछुरी रखिए बाछुरी रखला परे गाई रखिए ना बाछुरी को जदि नियंत्रण कर नपारे गाई को नियंत्रण करेंगे केमी क्रमे पारे बछा रखी ए कलाकर मुखी चंद्रमुखी गोपांगना टे दुखी है भारी दुखी है कांदी पकेला आ कृष्ण स्नेहरे पगलिनी से स्नेहर प्रतिमा जाऊँ जंगल को गाई रखा बाछुरी रखापी जंगल रे केड़े विपद केते विपद सखी आगे कहि जशोदा एड़े निष्ठुरा रमणी माँ है टी दया ना पुओटा को पठे दौचे जंगल को बाछुरी मानक सांगे जीव बाछुरी रख बाछुरी को जगव बाछुरी को लेकिन आसब ए भाया राजा पुओ होकरीब गाई रखा को दीनकृष्ण दास आहरी पदुटे लिखुंत कहते कौ सुख नाही गोपुर पुओ जाए वृंदावन को करुणा हृदय नुहंती निर्दय भिक हांकर तातंकु कौ विधाता कलाए मंत कु विचार कोटी लक्ष्मी जहा सेवा को छा से करे बन कु संचार कौ गोपिका कलाए मंत सु विचार कौ सुख नहीं गोपापुर पिलाटी जाए वृंदावन को कृष्ण जाए वृंदावन को करुणा हृदय नुहंती निर्दय अधिक यहाँकर धन को ए जशोदा ये नंदराजा या धन को धिक राजा पुओटा को पठाउचंती बाछुरी चरेप गाई चरेप कहे जे ये विधाता विधान ये हूँ कूल वृत्ति गौड़ घर जन्म नहीं तेणु गाई चरेबे बाछुरी चरेबे ना ना कौ विधाता कला एमंत कुचार
कौ विधाता अच्छे एमितिया विचार करिव कोटि लक्ष्मी जहा सेवा को उत्साह गोटे लक्ष्मी जहार पदारविंद सेवा करने लालायित से करे वन को संचार से जंगल को जाऊँ भक्त कवि दीनकृष्ण एपरि भाव प्रतिवाद करिसंदे कृष्ण लीला निजे दुखी हो जाइछंते गोपांगनार भाव को हृदय को नहीं आसिछंते भक्त कवि कौन कहते ये प्रभु कौन कहते ना कमली धबली नीली कुंजगली गाई माने सब कुआडे गल कुआडे गल कुआडे गल डाकुछंती कहले जे हर ब्रह्मा कमल असंभव पद्मोद्भव ब्रह्मा एवं शिव इमाने जहार पदारविंद को चाह बसी सीए आसी कौन कहते गाई कुआडे गला नीली कुंजगली आ संध्याराणी घर को पलैवा हाथ में पघा कांधे पघा गुड़ाक रखिंट जी आस बांधे देहरे आकुता परस्पर पघा को बांधे नहीं कि कमल संभव भव आदि देव स्तव मात्र कमली धबली नीली कुंजगली गाई डाकिबाकु से पात्र कौ देवता कौ विधाता कला ए मंतकु विचार ये कुविचार विधातार कुविचार कहीं ना कमल संभव भव मान शिव आदि देवता मान जार स्तव करती प्रभु भ्रुक्षेप कर दिन किए स्तुति कला किए निंदा कला चाहती ना किंतु कमली धवली नीली कुंजगली गाई डाकिबा को से पात्र काल बल ए काहारी आयत नुहई काल बल ए काहारी आयत नुहई के मंत नहिले श्रीमंत होइले कंधे पशु रजु बहई काल बल ए काहारी आयत नुहई दीनकृष्ण दास शेषरे सिद्धांत कले काल बल ए कहार आयत नुहई ये कालर गति से काल बसे सर्वे चली पवने जेने घनावली कालर बस ए जगत प्राणी ए कालर आयत जे कालर काल महाकाल से मध्य निजे तांकर सृष्टि रे जन्म नहीं से कालर विधान से करुछंती से महाकाल आसी कंस शिशुपाल आदि राक्षस मान को बध करने वृंदावन में गोचारण करशव बाल्य पौगंड कैशोर लीला किपर भाव समाहित हम आनंद प्रेमानंद जोठी जो लीला जमी समाप्त हवा कथा समाहित हवा कथा ता से सुंदर भाव करती ये हूँ प्रभुंकर लीला कैवल्य विलास लीला विलास कहीं लीला करने से अवतार लीला विद्रुत कलेवर देव मानवे अगोचर से ब्रह्मांड नायक जहाँ को दीनकृष्ण स्तुति कर जो गोविंद जो दामोदर जो माधव तामेंतन स्तुति करवा गोविंद दामोदर माधवे गोविंद गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद